होशियारपुर के बजवाड़ा बाईपास स्थित शांति नगर में बुधवार शाम उस समय तनावपूर्ण माहौल हो गया जब तबलीकी जमात महिला विंग की एक मीटिंग के दौरान मीटिंग स्थल से कुछ दूरी पर हिंदू संगठन के लोग एकत्रित होने लग गए। वहीं हिंदू संगठनों को किसी ने सूचना दे दी कि मीटिंग के बहाने ये जमात इलाके में धर्म परिवर्तन की मुहिम चला रही है, जिसके बाद वहाँ माहौल गर्मा गया और नारेबाजी शुरू हो गई। वहीं इसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मामले को शांत करवाया गया। वहीं हिंदू संगठन के सदस्यों ने कहा कि उन्हें पक्की सूचना मिली थी और यहां पर कुछ हिंदू महिलाएं पहुंची थी, परंतु बाद में वह उन्हें देखकर मौके से चुपचाप निकल गई। विवाद शुरू होता इससे पहले इसकी सूचना पुलिस को मिल गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया और दोनों पक्षों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने मोहम्मद रियाज अंसारी के खिलाफ शिकायत दी, चूंकि सारी मीटिंग का प्रबंध उसने ही किया था। उनका आरोप था कि रियाज कुछ समय पहले तक मजदूरी करता था और एकदम शाही ठाट हो गए। इसके लिए इतना पैसा कहां से आया, जबकि आज लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इसकी जांच की जाए। वहीं संबंध में अंसारी का कहना था कि वह कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाता, उस पर सारे आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने घर में कार्यक्रम रखा था जिसमें मुस्लिम भाईचारे के लोग एकत्रित हुए थे, जिसका इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि वे मीटिंग कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने पुलिस को सारी सच्चाई बताई है। इस संबंधी मौके पर एसपी आरपी सिद्धू ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं, दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और इस मामले की गहराई तक जाया जाएगा। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। अजरा सामने रहा मोहम्मद रियाज नाम का आदमी है, ये अपने घर धर्म परिवर्तन का कोई प्रोग्राम कर जा रहा। उनके तहत असी अज सारे इकट्ठे हुए थे, असी इतने 3:30 बजे इकट्ठे हुए थे। सानू इनफॉर्मेशन से भी प्रोग्राम इनका 4 to 5 चलना, 3:30 to 4 बजे तक असी खड़े रहे। उस तो बाद देखा कि कोई आदमी वारी वारी आ रहे थे, जानियां छड़ छड़ के अगे जाई जा रहे थे। तो असी सानू लग्या भी अंदर सच्ची कोई इदा का प्रोग्राम वैकई हो रहा। फिर असी SSP साहब की नॉलेज लिया, उन्होंने फोर्स भेजी सी, असी उन्होंने ले जा के अंदर गए हैं। असी जाके देखा कि अंदर वैकई काफ़ी तादाद लेडीज सगिया और बाहर आदमी खड़े सके। उन्होंने असी उन्होंने जो कई एक आदमी ने पूछा भी तुम की करना आए, उन्हें दसिया कहता इदा तो मैं प्रेमगढ़ तो आया तो मैं अच्छे साढ़े प्रोग्राम चल रहे, अच्छ साड़ी कोई जमात चल रही है। तो पहला कहें नमाज का चल रहा, मैं क्या अच्छ तो वार तो कुछ हो रहा। फिर कहना जी सा जमात चल रही है जी। असी फिर अंदरों छोटे छोटे बच्चे निकले आ, उन्होंने पूछा गया, वह भी यही कह रहे हैं कि साड़ी जी जमात चल रही है अंदर। तो फिर SSP साहब ने उन्होंने SP संधु साहब आए थे, तो उन्होंने अंदर जाके अपनी छानबीन की आ। असी अपनी रिटन कंप्लेंट उन्होंने देती आ, क्योंकि ये जरा आदमी है इन्हें 1.5-2 साल के बच्चे ही मतलब कि कोठी पाली आ, इन्दे कोल की कहिंदे आ कार आ बलीनो कार आ मोटरसाइकिल आ 5-7 कोठियां आस पास जिन्नियां भी हैगियां इन्हां दी अपनियां। कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये तो हमारे अपने चाचे ताए के लड़के, हमारी बेटियां भतीजियां आड़े दुआड़े, जैसे कोई बहादुरपुर रहता है, कोई सुखिया बाग रहता है, उनको बुलाया। हम 2 दिन के प्रोग्राम रखे थे। क्या प्रोग्राम करते? प्रोग्राम यही तालीम होता है, तालीम होता है, नमाज के तरीके सिखाए जाते हैं और जिक्र फिक्र होती है। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग? नहीं, ये तो लोकल ही आए हैं, ये हम इमाम हैं टांडे से, हाफिज जाकिर साहब, इनको मैंने बुलाया था टांडे से। किन लोगों को इकट्ठा करते हो? सिर्फ मुसलमान होते हैं या और भी लोग होते हैं? नहीं, वो सिर्फ मुसलमान होते हैं हमारे। इससे पहले भी आप कह रहे थे कि 200 बंदा इकट्ठा किया था, वो क्यों किया था? तो बकरीद थी हमारी, बकरीद पे हमने दावत देते हैं, भाईचारा हिंदू सिख मुस्लिम सारे आते हैं हमारे।